हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। घर पे इंजॉय कर रहे होंगे अपने वेकेशंस, लेकिन स्टडी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप सब नाइन्थ क्लास में आ गए हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखनी है, तो इसीलिए यूट्यूब लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नाइन्थ के। तो चैप्टर वन से शुरुआत करते हैं। मैथ्स चैप्टर वन है आपका नंबर सिस्टम। फटाफट से नंबर सिस्टम आपको पता ही है क्या होते हैं, एक बार हम फटाफट से रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहला आपका होल नंबर डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। और पता है आपको जीरो से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से, वन से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। इसी तरीके से आपका इंटीजर्स, उसको कैपिटल जेड से। इंटीजर्स में आपके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स आते हैं, इंक्लूडिंग जीरो। नेक्स्ट है आपका रेशनल नंबर, जो आप हमेशा से पढ़ते आए हो। रेशनल नंबर को मैंने उसी तरीके से लिखा जैसे आपने पढ़ा है अभी, पी बाय क्यू फॉर्म में। और यही, इसी के ऊपर बेस्ड हमारा मोस्टली ये चैप्टर है कि हमें रेशनल नंबर्स को यहाँ पे समझना है होता क्या है। पहली दो तीन एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी की बुक में, वो क्वेश्चन है आपका कि किसी भी रेशनल नंबर्स के बीच में नंबर्स निकालना, कितने भी नंबर निकालना है। एनी टू रेशनल नंबर के बीच में आपको 5, 6, 7, 8 नंबर निकालने को बोल सकता है। तो ये आपने 8th क्लास में भी किया था एंड ऑलमोस्ट 7th में भी किया था, उसी तरीके से कर सकते हो। और चाहे तो नया मेथड एक है आपको जो यहाँ सीखना है, एवरेज मेथड, और पुराना जो है वो हमारा एलसीएम मेथड है। मैंने दोनों मेथड को कवर करने की कोशिश की है ताकि आपको दोनों से अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे यहाँ पे है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो काफी इजी क्वेश्चन लिया है, 3 और 4 लिख दिया है। एलसीएम में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करते हैं। तो 3 और 4 है, अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, 1 1, मल्टीप्लाई कर दिया 10 ऊपर नीचे दोनों साइड से, क्योंकि एलसीएम सेम करना है। 30 अपॉन में 10, 40 अपॉन में 10। आप कहोगे सर एलसीएम तो सेम था, लेकिन 3 और 4 के बीच में तो नंबर नहीं लिख सकते थे, लेकिन अब 30 और 40 के बीच में हम जरूर नंबर्स लिख सकते हैं। तो वो सारे रेशनल नंबर क्या होंगे, 31 अपॉन 10, 32 अपॉन 10, 33 अपॉन 10, 34 अपॉन 10। इस तरीके से हम जितने चाहें उतने रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया वो हमारा है एवरेज मेथड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा और काफी ईजी है। एवरेज बेसिकली होता क्या है, जैसे आपको मैं बोलता हूँ ये आपके एक सब्जेक्ट में 5 मार्क्स आए हैं, एक सब्जेक्ट में 8 मार्क्स आए हैं, तो आपके एवरेज कितने हुए। तो आप बोलोगे सर 5 + 8 / 2, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे। इसी तरीके से यहाँ पे करना है आपको, 4 रेशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, एवरेज मेथड मतलब दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 सॉल्व किया 7/10। अब जो 7/10 आएगा वो 3/5, 4/5 के बीच में आएगा 7/10, तो ये इसके बीच का एक रेशनल नंबर हो गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड, अब 7/10 और 4/5 के बीच में निकालूं तो वो भी 3/5 और 4/5 के बीच में ही होगा। 7/10, 4/5 के जो बीच में नंबर आएगा, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे जब, तो वो 3/5 और 4/5 के भी बीच में होगा। तो सेम, दोनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2, सॉल्व किया 3/4। तो ये सब मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप सबको आता ही, आप सब नाइन्थ में आ गए हो। इसी तरीके से 3/5 और 7/10 में से निकालेंगे। 3/5 और 7/10 में से जब हम एवरेज नंबर निकालेंगे वो भी इनके बीच में आएगा, तो 3/5, 7/10 के बीच में निकाल लिया। अब 7/10 एक आ गया था, उसके बीच में से निकाला 3/4 आया, 13/20 इनके बीच में आया। इन दोनों के बीच में भी नंबर निकालेंगे तो वो भी इसके बीच में आएगा, जैसे हमने यहाँ पे 3/5, 7/10 के बीच में निकाला ये नंबर, सपोज 7/10 और 4/5 के बीच में निकाला ये नंबर, इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो वो भी एक नंबर आएगा। तो उस तरीके से हम वैसे भी नंबर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम काफी नंबर्स निकाल सकते हैं। आप देखोगे 7/10, 7/10 दो बार आ रहा है। आप चाहो तो 7/10 और 3/4 के बीच में नंबर निकाल लो, 3/4, 13/20 के बीच में नंबर निकाल लो, इस तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ 3 ही है, ये 7/10, 7/10 रिपीट हो गया है, तो इसको फोकस नहीं करिएगा, ये फोकस कीजिएगा इसके और इसके बीच में एक नंबर आप और निकाल लीजिए, उससे आपका एक और हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, सबसे ज्यादा जहां पे आपको फोकस करना है वो है आपका रेशनल नंबर्स। तो नंबर्स को बेटा बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सिंपल कैटेगरीज में, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की पहली डेफिनेशन आपको डिफरेंस करने को आ सकता है, डिफरेंस आपको याद रहना चाहिए कि कैसे हम उसको याद रख सकते हैं। सबसे पहला मैंने वही लिख दिया, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, इसमें कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, सिंपल सी डेफिनेशन। अब जो आता है वो इंपॉर्टेंट है, नंबर कैन बी टर्मिनेटिंग एज वेल एज रिपीटिंग। ये टर्मिनेटिंग भी हो सकता है या फिर रिपीटिंग भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो तो वो रेशनल नंबर होगा। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो तो वो रेशनल नंबर होगा, ये याद रखना है। या तो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाए, जैसे 1
वन टर्मिनेटिंग नंबर है 2.5 मतलब खत्म हो चुका है, टर्मिनेटिंग नंबर है, और 1.3333 ये क्या है, रिपीटिंग नंबर है। तो ये दोनों ही हमारे क्या है, रेशनल नंबर है। जैसे टर्मिनेटिंग फॉर एग्जांपल 1, 2, 1.54 ये सारे टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ये भी रेशनल नंबर है। रिपीटिंग 1.333 इसको क्या लिख सकते हैं, नया कंसेप्ट है, 1.3 बार, सिंपल है, 3 जितनी बार रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एक बार 3 लिख के उसके ऊपर बार लगा देंगे। तो ये क्या है, हमारा रिपीटिंग नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। ऐसी 1.54 बार, इसका मतलब 1.54 54 54 ये चलता जाएगा, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। दूसरी बात, अंडर रूट 4, ये एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका, 2 का, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। 0/1, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। ऐसी अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, अंडर रूट 25, जो भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो सारे क्या होंगे, आपके रेशनल नंबर होंगे। इरेशनल नंबर में आप यहां देखोगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। दोबारा से, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो वो नंबर कभी खत्म होगा ना ही वो नंबर रिपीट हो रहा होगा, मतलब चलता जाएगा और रिपीट भी नहीं होगा, तभी जाके वो रेशनल इरेशनल नंबर होगा। तो इरेशनल नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि इरेशनल नंबर वो तभी होगा जब वो नंबर चलता जाएगा और वो कभी रिपीट नहीं होगा, चेंज होता जाएगा। जैसे यहां देखो 1.1234, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप देखोगे 1, 2, 3, 4 आया, फिर 1, 2, 3, 4 तो आया, साथ में 5, 6 भी आया, मतलब पैटर्न चेंज है, एक जैसा नहीं है। तो ये चलता जा रहा है, डॉट डॉट मतलब चलता जा रहा है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर। रूट 3, रूट 2, रूट 5 ये सारे इरेशनल नंबर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। नेक्स्ट 9.12, 1.22, 1.222, 1.42 पैटर्न चेंज हो रहा है, एक बार 2 है, फिर 2 बार 2 आ रहा है, फिर 3 बार 2 आ रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये भी 3.451, 4.51, आप कुछ भी बना सकते हो अपनी मर्जी से, वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। तो रेशनल और रेशनल में मेन डिफरेंस क्या है, रेशनल आपका टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, दोनों में से कुछ भी हो तो वो रेशनल, और इरेशनल आता वो टर्मिनेट होगा ना ही वो रिपीट होगा, वो क्या कहलाएगा आपका, इरेशनल करेगा। अब ये चैप्टर काफी बड़ा है, मैंने यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ फोकस किया है नंबर लाइन पे, आपको नंबर प्लॉट करने सिखाए जाए, चाहे वो सिंपल नंबर हो, पॉइंट में हो, रेशनल हो या इरेशनल नंबर्स हो। तो यहां देखोगे रिप्रेजेंट रूट और नंबर लाइन, आपको रूट में कोई भी नंबर आ जाए, आपको देखो 3 मेथड है इसके, आपको तीनों को फॉलो कैसे करना है वो मैं उसकी एक ट्रिक बताता हूं आपको। जब भी सिर्फ रूट में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सिर्फ नंबर्स हो, सिर्फ आपके नेचुरल नंबर्स इस तरीके से हम बोल सकते हैं हो, तब आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। क्या करना है आपको, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। जैसे यहां पे देखिए रूट टू बनाना है, तो रूट टू तो हम ऐसे बना ही नहीं सकते, लेकिन रूट टू हम पाइथागोरस की थ्योरम की मदद से बना सकते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर और ये बेस, बेस और परपेंडिकुलर को अगर 1-1 यूनिट लें, तो हमारा देखो फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी 1, बेस भी 1, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 2। अब यहां से स्क्वायर हटता है तो यहां रूट आता है, तो एच क्या गया, रूट 2। ये रूट 2 हमने यहां बना लिया पाइथागोरस की मदद से, उसी की हेल्प से हम उसे कहां बनाएंगे, नंबर लाइन पे। आप देखो बेस 1, परपेंडिकुलर 1, तो ये जो लेंथ आई हाइपोटेन्यूस, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये कितनी आ गई हमारी, रूट 2 आ गई। अब इसे रूट 2 को नंबर लाइन पे कैसे लेके आएंगे, सिंपल सी नंबर लाइन बनाई, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अब 0 से 1 हमने बेस लिया, ये ज्यादातर सेंटीमीटर में लेना है बेटा आपको, सेंटीमीटर में एक यूनिट, 0 से 1 एक यूनिट ही हो गई। यहां से आपको कंस्ट्रक्शन करना है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, वो भी कितना, 1 यूनिट, तो यू की परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है, 1 यूनिट कंस्ट्रक्ट किया, इसको और इसको ज्वाइन कर देना है स्केल से। ये जो ज्वाइन किया, ये क्या आया आपका, रूट 2 आया। यहां कंपास रखिए, यहां कंपास रखिए नीडल, यहां से आर्क लगा दीजिए पेंसिल से, तो ये रेडियस की तरह काम करेगा, और ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक ये भी आपका रूट 2 के इक्वल आ जाएगा। सिंपल, क्या करना है आपको, बेस और परपेंडिकुलर 1-1 लेना है, ज्वाइन कर देना है, कंपास से आर्क लगा देना है, रूट 2 आ जाएगा। ये बेटा नए कंसेप्ट है, आपको एक बार जरूर इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको इनको क्लियरली कर पाओगे। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका रूट 3। रूट 3 कैसे बनेगा, देखो 1-1 से रूट 2 बना, रूट 2-1 से रूट 3 बनेगा। ये जब आप एक बार कर लोगे ना, तो आपको खुद ही ऐसे चुटकियों में याद हो जाएंगे कि अच्छा रूट 3 ऐसे बन जाएगा, रूट 4, रूट 4 तो डायरेक्ट 2 होता है, रूट 5, अच्छा रूट 5 2 और 1 से बन जाएगा। तो आपको एक बार करना पड़ेगा बच्चों। देखिए एच स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 प्लस 1 3, तो एच स्क्वायर क्या हो गया 3, और एच कितना हो गया रूट 3। अब रूट 3 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन पे, देखो 0 और 1 के बीच में 1, और यहां 1 यूनिटली 1, तो ये रूट 2 बन गया, सेम जैसे रूट 2 बनाया। फिर रूट 2 से यहां पे परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया 1 यूनिट, इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या आ गया रूट 3। यहां से कंपास लिया, यहां से आर्क लगाया,
यहाँ जो ज्वाइन हुआ वो कितना आ गया हमारा, रूट थ्री आ गया। ऐसे रूट फाइव बनाना है तो रूट फाइव में क्या होगा, टू का स्क्वायर फोर, वन का स्क्वायर वन, फोर प्लस वन फाइव, और एच स्क्वायर इक्वल टू फाइव, तो एच इक्वल टू रूट फाइव। तो नीचे बेस टू ले लिया, ऊपर वन ले लिया, रूट फाइव बन गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मिस्ट्री की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके हैं वो रूट टेन, थ्री का स्क्वायर प्लस वन, थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस वन टेन, रूट सेवनटीन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस वन, इस तरीके से। अब देखो ये आप कैसे कर सकते हो, बहुत सिंपल लॉजिक है, वन वन रूट टू, रूट टू वन रूट थ्री, रूट थ्री वन रूट फोर, रूट फोर वन रूट फाइव, क्योंकि रूट किसी का भी रूट का स्क्वायर करो आएगा वही नंबर, रूट टू का स्क्वायर टू, टू प्लस वन थ्री, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, थ्री प्लस वन फोर, रूट फोर का स्क्वायर फोर, फोर प्लस वन फाइव, इस तरीके से आपकी एक स्पाइरल बनेगी, ठीक है। तो ये थे आपके रूट वाले नंबर्स, एक बार दोबारा से वीडियो बैक करके देखिएगा, कोई डाउट हो तो मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो आप, ठीक है, या कमेंट सेक्शन में मेरे को मैसेज कर सकते हो। बेसिकली नाइन्थ क्लास के बच्चों को आपको ये पहुंचाना है, जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करवाना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डले तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए और नीडी बच्चों तक ये पहुंच सके। सेकेंड है आपका रूट में ही पॉइंट वाला, अभी हमने क्या किया, रूट थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इस तरीके से किया, अब अगर आ जाता है आपका पॉइंट में तब आप कैसे करोगे, तो ये बहुत ईजी है, बस क्या याद करना है आपको, कुछ स्टेप्स याद रखने हैं, ये स्टेप्स आपको कम से कम पांच बार लिखने हैं, जब भी आप ये क्वेश्चन करो पांच टाइप के क्वेश्चंस करो और पांचों बार ये पांचों स्टेप लिखो, आपको लाइफ में दोबारा कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। स्टेप्स फॉलो कीजिए, सबसे पहला ड्रॉ लाइन ए बी 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब देखो 4.5 रूट 4.5 की लाइन बनानी है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो 4.5 सेंटीमीटर की आपको लाइन बना देनी है। तो यहां आप देखोगे ए बी एक लाइन बनाई है 4.5 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमेशा नेक्स्ट स्टेप सेम है, पहला स्टेप जितना है उतना बना देना है। नेक्स्ट स्टेप ड्रॉ 1 सेंटीमीटर लाइन फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी आपको एक लाइन बनानी है, कितनी, 1 सेंटीमीटर लंबी, हमेशा सेम रहेगा ये स्टेप, ये स्टेप जितना भी दिया उतना, ये स्टेप आपका सेम रहेगा, 1 सेंटीमीटर की लाइन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, बाइसेक्ट द लाइन एसी। अब जो आपकी टोटल एसी लाइन हो गई है 4.5 प्लस 1 मतलब 5.5, उसको बाइसेक्ट करना है और उसके ऊपर एक सेमी सर्कल बनाना है जो आपका बाइसेक्टर सेंटर पॉइंट आएगा। एसी आपकी लाइन बनाई, एबी आपकी 4.5, बीसी आपकी 1 सेंटीमीटर, एसी को बाइसेक्ट करना है, कैसे करेंगे, सिंपल, ए पे कंपास रखेंगे ऊपर नीचे आर्क लगाएंगे, सी पे कंपास रखेंगे ऊपर नीचे आर्क लगाएंगे, ज्वाइन करेंगे तो ये जो पॉइंट आएगा हमारा सेंटर पॉइंट आएगा, उस पे कंपास रख के ए और सी पे सेमी सर्कल बना देंगे, बस। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या है, आपको जो बी पॉइंट था, ए बी जो आपने बनाया था 4.5, वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देनी है। आप सबको परपेंडिकुलर बनाना आता ही है इस पॉइंट से, ये इस जो सेमी सर्कल की आर्क होगी इसको कट करेगा पॉइंट डी पे। अब ये आपका आंसर हो गया, बी डी जो आपकी लेंथ आ गई ये आपकी 4.5 है। अब ये कैसे आया, क्यों आया, इसका कोई आपको किसी से कोई ना पूछेगा आपको, ना का आपको बताना है, सिर्फ आपको ये बनाना है और ये डेफिनेटली आपका 3 मार्क्स का आता है पेपर में, ठीक है। तो अभी से आपको अपने मार्क्सिंग स्कीम्स के तरीके से पढ़ के चलोगे तभी आप जाके अच्छा स्कोर कर पाओगे इन्हीं छोटी छोटी चीजों को, कि ये 3 नंबर का आता है, ये 4 नंबर का आता है, और ये बहुत सिंपल है, पैटर्न सबका सेम है। तो बी डी पे कंपास रख के ऐसे आर्क भी मार सकते हो, तो ये बी डी रेडियस की तरह काम करेगा, और बी ई, बी डी बी ई दोनों कितने हो गए आपके 4.5। तो कहीं भी आपको मार्क करना है तो आप ही कर सकते हो। दोबारा स्टेप्स देखिएगा, पहले एक लाइन जितना हमें बनाना है उतना, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, उसको बाइसेक्ट करना है, सेमी सर्कल बनाना है, फिर जो बी पॉइंट था वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, बस इस तरीके से आपको याद रखना है और इस तरीके से आपको बना देना है। अब जो नेक्स्ट है, लास्ट टॉपिक जो है नंबर लाइन का, वो नंबर लाइन का आपका लास्ट टॉपिक है पॉइंट वाले नंबर्स। अब पॉइंट वाले नंबर्स को आपको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करना है, जैसे आप यहां देखोगे 4.26 बार, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपको प्लॉट करना है। अब 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब 4.26 बार को हम क्या लिख सकते हैं, 4.2626, ये हो गए 4 डिजिट्स, 1, 2, 3, 4 पॉइंट के बाद, इनको आपको डेसिमल प्लेसेस पे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। काफी ईजी है, फ्री के नंबर है बच्चों, आप देखोगे कहोगे यार ये तो हम 5th-6th क्लास में भी कर सकते थे, तो बस आपको स्टेप्स फॉलो करने, एक नंबर लाइन बनाई सिंपल, जैसे आप -2, 1, 2, 3 जहां स्टार्टिंग करते हो, आप देखोगे सर ये 4.2 है, ये तो कहीं है ही नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, लेकिन ये 4.2 किसी के बीच में तो आ रहा है, कहोगे आप सर हाँ आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है, 4 और 5 के बीच में आ रहा है, तो आप क्या करोगे 4 और 5 को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, मतलब मैग्नीफाई कर दो, 4 और 5 के बीच में चले जाओ, एक एक स्टेप से आपको चलना है, 4 और 5 के बीच में आ गए, चलो 4 और
5। आप सबको पता है स्केल की डिवीजन में कितने पार्ट्स होते हैं, 10 पार्ट्स होते हैं और 9 लाइंस होती हैं। अब आप देखोगे कि 4.1, 4.2 ऐसे 4.9 तक जाता है, फिर 4.10 तो नहीं आता ना, क्या आता है, 5 आता है। उसी तरीके से हमने यहाँ लिख लिया 4.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 5। अब आप कहोगे सर कितना बनाना है हमें, हमें बनाना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4.26। अब 4.4 तक तो पहुंच गए, 4.2 तक भी पहुंच गए सर, 4.2 से तो बड़ा ही नंबर है ना, 2 से छोटा नहीं है, तो 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा ये 4.26। हमने क्या करा, 4.2 और 4.3 पर सर्कल लगाया, उसको भी लिख दिया डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। यहाँ क्या लिख दिया 4.2 और वहां क्या था 4.3, तो लास्ट में क्या लिख दिया 4.3। उसके बीच में 9 पार्ट्स कर दिए, वहां पे लिख दिया 4.21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और लास्ट में 4.3। आप देखोगे 4.26, ये 26 से बड़ा है तो एक बड़ा, कितना 26 और 23 के बीच में, तो 4.26 और 27, 26 और 26 से बड़ा है तो 27 के बीच में। आप डायरेक्ट यहाँ पे 1, 2, 3, 4 भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इसीलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ 4.26। आप चाहो तो सिंपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 4.3 इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो 4.26 और 4.27 के बीच में आएगा यहाँ पे, समझ में आया, क्योंकि ये 4.26 से भी बड़ा है, 262 है, तो 4.26 और 27। आप यहाँ देखोगे 4.26 लिखा, यहाँ पे 4.27 लिखा और सब डिवीजन 4.261, 262, 263 इस तरीके से, 269 और 4.28। देखो मैंने लिखा भी, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट में ये। आप देखोगे 26 उसके बाद कहाँ तक आ गए हम, 2 तक, 4.262 यहाँ तक आ गए। अब 262 से ही बड़ा है तो 262 और उससे एक नेक्स्ट स्टेप, उसको सर्कल किया 263, उसको डिवाइड कर दिया, सेम ये लिखते जाना है आपको। अब यहाँ क्या है, 4.262 आया था तो यहाँ 4.262, यहाँ पे क्या है 4.263, तो यहाँ पे 4.263। अब लिखते चले गए 4.26, 1, 2, 1, 2, 6, 2, 2, 2, 6, 2, 3, 2, 6, 2, 4, 2, 6, 2, 5 और ये आ गया हमारा आंसर 2, 6, 2, 6, 4 डिजिट तक जहाँ हमें पहुँचना था, ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो दैट्स ऑल फॉर यू बच्चों, आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन करना है, प्रैक्टिस करते जाना है। ये नए क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली कम से कम 5-5 बार एक एक क्वेश्चंस को, एक एक नहीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को बनाइए। कोई भी डाउट आता है तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप, आप डायरेक्टली मुझे कमेंट्स, और ज़रूर जो नीडी बच्चे हैं सब घर पे ही हैं तो थोड़ा सा स्टडी सब तक पहुंच सके तो उनको लाइक, वीडियो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।